दोस्तों मैंने ये न्यू सीरीज शुरू कराया है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा YouTube के बारे में। कहने का मतलब YouTube चैनल कैसे क्रिएट करें पूरा बेसिक से। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि YouTube पे चैनल बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाया जाता है, वो कैसे बनाए, फिर YouTube चैनल कैसे बनाए, टाइटल कैसे लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, टैग्स क्या होता है, टैग्स कौन कौन से फिल करने चाहिए, टैग्स कैसे लगते हैं, YouTube पे थंबनेल कैसे बनाया जाता है, थंबनेल कैसे अपलोड किया जाता है, लाइव हम लोग कैसे जा सकते हैं YouTube पे, मतलब जो भी YouTube से जानकारी होती है, YouTube पे ये कैसे करें वो कैसे करें, सारी जानकारी इस सीरीज़ में आपको देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। तो इस सीरीज में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पूरा YouTube के ऊपर ही फोकस्ड होगा। तो जो भी लोग बिगिनर्स है YouTube पे आना चाहते हैं 2021 में, देखिए 2020 के मुकाबले 2021 में YouTube का काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे चेंज हुआ है, टाइटल्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने कैसे लिखा जाए वो सब मैं आपको बताऊंगा, कैसे लिखेंगे तो वीडियो आगे आपका टॉप रैंक करेगा, कम सब्सक्राइबर है फिर भी आपके वीडियो पे व्यूज़ कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो जिनको भी YouTube नया चैनल ओपन करना है, जिनको भी YouTube पे आना है और उनको कुछ भी नहीं पता है, इवन उनको YouTube का वाई भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, नल है पूरा, फिर भी मैं आपको उनको समझाऊंगा कि आप YouTube चैनल का अच्छे तरीके से, अच्छे वे में कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपको सबका सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में हमारी बने रहिएगा और रेगुलर वीडियोज़ ही आएंगी। दोस्तों वीडियो में अगर भरने से पहले मैं अपना एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पे आप पैसा कमाने सोच कर आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं YouTube पे जाऊँगा और बहुत सारा पैसा बनाऊँगा, तब वो कहना चाहता हूँ थोड़ा स्टॉप कर लीजिए, थोड़ा दिन रुक जाइए। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई और जॉब है, कहीं और से आपकी अर्निंग है और तब आप YouTube पे आना चाहते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब, देन YouTube बहुत सही है। बट हाँ, आप शुरू से ही मतलब जॉब वगैरह छोड़कर या फिर अपना पढ़ाई वगैरह फुल्ली छोड़कर YouTube पे डिपेंड मत होइएगा। YouTube पे आगे चलेगा आपका चैनल या फिर नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अर्निंग का एक सोर्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें खाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, अर्निंग्स की जरूरत होती है। तो किसी भी चीज़ को कंप्लीटली अगर आप जॉब में है तो कंप्लीटली जॉब छोड़कर YouTube पे फोकस मत कीजिएगा। हाँ, उसके साथ आप लेकर चल सकते हैं, बट हाँ कंप्लीटली जॉब छोड़कर YouTube पे मत आइएगा, क्योंकि YouTube का कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो YouTube पे टोटली बेस्ट मत हो जाइएगा अपने पैसों के लिए। हाँ, एक बार चैनल ग्रो कर जाए, आपके अच्छे खासे अर्निंग आने लगे, मतलब 30,000 40,000 50,000 का मंथली अगर आप अर्न कर रहे हैं YouTube से, उसके बाद आप अपना जॉब छोड़कर और YouTube पे टोटल टाइम फोकस कर सकते हैं, फुल टाइम यूट्यूबर बन सकते हैं। बट फिलहाल अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है तो अपने जॉब छोड़कर पूरा का पूरा YouTube पे फोकस मत कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम भी तो फुल टाइम यूट्यूबर हो। नहीं, मैं फुल टाइम यूट्यूबर बिल्कुल नहीं हूँ और ना मैं कभी होऊंगा फुल टाइम यूट्यूबर। मैं यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम जॉब ले रहा हूँ, कभी मैं यूट्यूब पे फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हो सकता हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा बेसिक से सीखेंगे और अप टू द प्रीम जाएंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब पे थंबनेल वगैरह पूरा एकदम बेसिक से प्रो हम लोग बनने वाले हैं। तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में जाना है और वहां पे जाकर जस्ट आपको सर्च करना है जीमेल। जीमेल सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होगा जीमेल के नाम से, ये आप ढूंढ भी सकते हैं, आपके फ़ोन में मिल जाएगा। जस्ट हमें यहाँ पे जीमेल को ओपन करना है। जीमेल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे, सबसे टॉप पे आपको एक लोगो शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपने मेन अकाउंट से लॉगिन करा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मेरे अकाउंट का लोगो शो करा है। जस्ट हमें इस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने का सबसे नीचे जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हम ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछेगा कि किसमें आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से गूगल कर लेता हूँ, जस्ट गूगल में हम बनाना चाहते हैं। जस्ट यहाँ से आपके फ़ोन में अगर पासवर्ड, पिन, फिंगरप्रिंट कुछ भी होगा तो एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, आप उसको एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट दे दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फॉरगेट ईमेल और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, तो हमें यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है, फॉर माई सेल्फ या फिर टू मैनेज माई बिजनेस। तो मैं यहाँ पे फॉर माई सेल्फ करता हूँ, आपका जो मन है वो कर सकते हैं, जैसा अभी आप चाहें। अब चूँकि यहाँ पे नाम पूछा तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे नाम फिल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डेमो अकाउंट करके मैं बनाता हूँ। तो डेमो अकाउंट रखना है तो फर्स्ट टाइम में हमें पहला रखना है डेमो एंड लास्ट टाइम में हमें अकाउंट लिखना है। अगर आपका नाम मानकर चलिए सौरभ कुमार है तो फर्स्ट नेम में सौरभ रखेंगे और लास्ट नेम में जो है कुमार लिखेंगे, ठीक है। जस्ट इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। चलिए मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से हमें पूछेगा बर्थ डेट हमारा, तो यहाँ पे मैं डे फिल कर लेता हूँ, जो भी डे है, और 25 मंथ मैं कर लेता हूँ, ऐसे मैं रैंडमली कर लाऊँ, और यहाँ पे ईयर मैं कर देता हूँ, और 2002 जो भी है आप अपना कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से मैं सब चीज़ फिल कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ योर जीमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं, ADEMO6220, ADEMO9846, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो ये दोनों में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको करना है क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। तो यहाँ पे अगर मैं जीमेल एड्रेस की बात करूँ तो आप कुछ भी रख सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे सौरभ और
सौरभ के आर रखता हूँ और यहाँ पे 70 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए सौरभ के आर 17@gmail.com मेरा ईमेल आईडी हो गया, लेकिन आपको @gmail.com यहाँ पे टाइप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी @gmail.com लिखा हुआ आता है, तो हमें ये टाइप नहीं करना है। सिर्फ आपको टाइप करना है जो भी आपका यूज़र नेम है, कह सकते हैं सौरभ के आर 17। मैं यहाँ से नेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं दिस यूज़र नेम इज टेकन, मतलब ये कोई पहले से लिया हुआ है, तो मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ और ऐड कर देता हूँ, तब मैं करके देखता हूँ। देखिए सौरभ के आर 1702 ये भी कोई लिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत और छेड़छाड़ करता हूँ। तो जो भी आपको लगे आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये कोई और लिए हुए है, चलिए वो कोई नहीं लिया हुआ था, सौरभ के आर 1702 25, ठीक है वो कहीं लिया। चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड रखता हूँ, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड देकर कोई फ़ायदा नहीं है, पासवर्ड बाद में चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, सौरभ एंड 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 कुछ भी फिल कर देता हूँ, @#*। ओके सौरभ @#*, कुछ भी मैं यहाँ पे फिल कर दिया। नेक्स्ट करता हूँ, जस्ट यहाँ पे आप चाहें तो ये सब कर सकते हैं। फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए कह रहा है, तो फ़ोन नंबर हमें ऐड कर लेना है या फिर बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यस आई एम इन करना है, ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योर ओनली, ये भी कर सकते हैं। और चलिए मैं इसका करता हूँ, ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योर, डन यहाँ से करता हूँ। एंड 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 नेक्स्ट हम लोग अब फिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो जस्ट यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। तो चलिए मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, हाइड कर लेता हूँ फ़ोन नंबर, नहीं तो कॉल वगैरह आने लगेंगे। चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। अब आपके फ़ोन नंबर पे मे बी एक OTP जा सकता है, देखिए यहाँ पे OTP भेज चुका है गूगल, तो चलिए मैं उस OTP को रजिस्टर कर लेता हूँ, 027128 027128। जस्ट OTP फिल करने के बाद नेक्स्ट करना है हमें यहाँ से, हमने अपना नंबर भी वेरीफाई कर लिया, जस्ट यहाँ से नेक्स्ट करना है। सौरभ के 1702225 ये हो चुका है, जस्ट यहाँ से पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, मोर ऑप्शन भी है यहाँ पे, आप ये भी वगैरह देख सकते हैं, और जस्ट यहाँ पे आई एग्री करना है। आप नहीं चाहे तो नहीं पढ़िए, एग्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब में वही होता है, उसका टर्म एंड सबमिशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, चाहे तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब देख सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी बन चुका है यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं लोगों पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे है सौरभ के आर 1702225, तो ये हमारा ईमेल आईडी जो है बन चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है टॉप पे, सौरभ के आर 1702225 मैनेजर गूगल अकाउंट, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल अब हमें यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करना है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से मैं इसको एग्जिट करता हूँ, और अब हमें क्या करना है, यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब एप्लीकेशन सभी के फ़ोन में होता ही होता है, तो यूट्यूब एप्लीकेशन आपको ओपन कर रहे हैं, तो चलिए मैं यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यूट्यूब तो ये रहा हमारा यूट्यूब, चलिए मैं यूट्यूब को ओपन यहाँ से कर लेता हूँ, हाई क्लिक हो गया, जस्ट यहाँ से हमें वन टैप करना है, जस्ट यूट्यूब यहाँ से ओपन हो रहा है, तो देख सकते हैं ये YouTube ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे राइट टॉप पे आपको जो भी आईडी से लॉगिन होंगे वो लोगो शो करेगा यहाँ पे, जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम रहेगा, जिस आईडी से आप लॉगिन रहेंगे वो शो करना है, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे वो जीमेल आईडी मिल जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने अभी क्रिएट करा है। तो देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पे डेमो अकाउंट करके नो चैनल है, सौरभ के आर 1702225 ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, नो चैनल, तो जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट से हम लॉगिन हो जाएंगे। अब फिर से हमें यहाँ पे ये जो डी लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, लोगो पे कह सकते हैं, जस्ट यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट हमें योर चैनल पे जाना है। जस्ट यहाँ पे अब देखिए पूछ रहा है हमसे कि हाउ विल यू अपीयर, कहने का मतलब अब हमारा ये चैनल क्रिएट कर देगा, तो चैनल का नाम यहाँ से हमसे पूछ रहा है, नेम जो है डेमो अकाउंट, तो यहाँ पे मैं डेमो अकाउंट को चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो जस्ट यहाँ से मैं डेमो चैनल कर लेता हूँ डेमो अकाउंट की जगह पे, ठीक है, डेमो चैनल मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ, ओके, और चेंज हो गया सॉरी चैनल, ओके डेमो चैनल, देखिए यहाँ से मैं सेव करता हूँ अब इसको, ओके एंड सेव सेव सेव, फिर हमें यहाँ पर क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है, तो जस्ट हम यहाँ पे क्रिएट चैनल कर चुके हैं, तो देख सकते हैं अब हमारा ये चैनल बन चुका है। देख सकते हो होम है, वीडियोज है, प्लेलिस्ट है, चैनल्स है, अबाउट है, ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे की वीडियोज में, प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियो जी सेक्शन में कैसे आता है, यहाँ पे होम है तो एडिट चैनल क्या है, मैनेज वीडियोज क्या है, क्रिएट वीडियो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ ऐसा कि बताया कि चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर आप चैनल क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, टाइटल कैसे लगाते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का
अपडेट कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि हम ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं और टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट वगैरह कैसे फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तो बस यही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो बस दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डाले। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।